गोर लागे हम परशुराम चौधरी थारू भाषा के कार्यक्रम समाज के मार्फत से आदरणीय दर्शक महानुभाव से हम यहाँ सबके लग में पूर्व से लाके पश्चिम के थारू सुन के गतिविधि देखाते आबि ओनहे आई के हम कहबे थारू सुन जाके ग्राम थान के कथी ले माने छे कौन देवता के माने छे कौन धामी के माने छे तो ओकरे बारे में हम विशेष चर्चा करे ले जा रहल छी। थारू समुदाय में विभिन्न खाल के पूजा सब है के चलन रहल छे। एनंग पूजा सब कोनो घड़ाइसी प्रकृति के रहै छे, कोनो गांव के सब मिल के करे वाला रहै छे। ई सब पूजा में अनिवार्य रूप में प्रयोग करे वाला सामग्री में गाय के दूध, जल, घर में बनाल दारू, धूप, अक्षता और सिंदूर रहै छे। अन्य सामान सब पूजा के प्रकृति और चाड़ पर्व अनुसार फरक फरक रहै छे। ई पूजा पाठ सब मध्य अधिकांश कृषि पेशा संगे संबंधित रहे के साथ कोनो दैनिक जीवन यापन संगे संबंधित रहल छे। रोग व्याध से छुटकारा पावे के लेल ई पूजा आजा और भाकल करे ले जाय छे। जेना मिर्गी चक्रा लागे छे त ओकर लेल और ई रोग से छुटकारा पावे के बहाव पूजा करे छे। घड़ाइसी पूजा पाठ एक विशेष परिवार में करे वाला खाल के पूजा पाठ के घड़ाइसी पूजा पाठ के समूह में पड़े छे। एनक पूजा पाठ मध्य कोनो पूजा घर के सदस्य अपने से कोनो घर गुरुवा और कोनो विशेष गुरुवा से करावे के चलन छे। थारू सब अपन अपन गाम में ग्राम थान के पूजा पाठ करे छे। गाम घर के कोनो किस्म के संकट आवे छे त ग्राम थान में देवता के पूजा करे छे और थारू सुन के विश्वास से हमरा के ग्राम थान हमरा के रखवाली करे छे। जहिया से हम ए गाम में जन्म ले लिए, जब हुरके बढ़े लागल लिए त ए जुड़ी धाम के पूजा पाठ करे के लागी, दियाबती करे के लागी, एकटा पुजारी के रूप में खड़ा कैले छे। जेना कि हम जब छोट छलिए त ए थान में प्रत्येक मंगल दिन इसना आबि के दियाबती करे वाला इसना प्रणाली स्थापित करल छे। त जखनका हमें छोट छलिए त ये सनीमनी गाम के झखरू चौधरी के जिम्मा लागल रहे ये थान में पूजा पाठ करे के लागी, दियाबती करे के लागी। कुनो दुख पीड़ा हेतै जनता में, बड़ बीमारी हेतै, बेसी आदमी मरतै, जना कि पहला मने जना अखुनका हैजा कहै छै तो पहला अपना सबके थारू में फौती कहे, फौती लागे तो एकदम आदमी सब बहुत मर जाए। छेव छेव में दोसर छर छिमे कि गाम सब में जब ओहन वाला है तो हमरा सबके इतना गोसर विनती करे तो वो बाट मुक्त है। तो झखरू चौधरी इतना पुजारी के रूप में पूजा करे छला। तकर बाद में झखरू चौधरी के बाद में ओकर बेटा मानपुर चौधरी पुजारी के रूप में करे लगला। मानपुर चौधरी के बाद में तोरा जाके साजेंद्र चौधरी इसना पुजारी के रूप में स्थापित भेला। वह 5-10 बरस पुजारी के रूप में काम कैलका। तकर बाद साजेंद्र चौधरी के बाद में तोरा जाके मिश्रीलाल चौधरी के बाद में कष्टूलाल चौधरी एवं प्रकार से फेन अखुनका जुड़ी धाम के प्रत्येक मंगलवार दियाबती करे के लागी पुजारी के रूप में ये वर्तमान वार्ड नंबर 1 के वड़ाध्यक्ष जे
महेश चौधरी छा तो ओकरे पिता श्री मिश्रीलाल चौधरी एकटा पुजारी के रूप में भूमिका निर्वाह कर रहल छा। अब कतेक दिन तक वो अपन ये पुजारी के कार्यभार निभावे सकते से भविष्य कहते। थारू सुन जाके प्रकृति पुजारी सी थारू सुन कहबे प्रत्येक ग्राम थान में प्रत्येक गांव में पहले बड़का बड़का धामी सुन रहे उ धामी सुन जाके अपन गुण मंत्र से जाके गांव के बाने और जाके वो गांव में जाके कोनो किस्म के रोग व्याध लागे तो ओकरा के धामी खेल के जाके वो गांव के बाने और वो शक्ति देखावे। कोनो गांव में जाके उन्हें किस्म के हैजा फूती अल महामारी अल तो ये धामी जाके वही सुखा अपन शक्ति देखावे कि ये हमर छुआ पुआ के कोनो किस्म के बिगाड़ नहीं करोस कहके ये ग्राम थान के धामी सुन जाके करे चले। तो जुन गांव में जुन किस्म के धामी रहे ओकरे नाम में ओकर पूजा दे छे तो नेपाल अधिराज्य भर में कहबे ग्राम थान में जाके प्रत्येक ग्राम थान में जाके प्रत्येक ग्राम के धामी सुन के जाके अपने मान्य मान्यता से ओकरा के शक्ति अनुसार के टोल टोल में जाके गाँव गाँव में जाके पूजा आजा देने से तो फिर चर्चा करे ले जा रहा छी। अपना सबके थारू नेपाल के हक में जय दिन से नेपाल के स्थापना भेले वही दिन से नेपाल में थारू आदिवासी के रूप में बसवास कर रहा छी। और अखनवा जतेक जगह जमीन अपना सबके देख रहा छी सब हमरे सबके थारू पुरखा सब ई खड़ानी करके ये उपजनी भूमि बनेने छी। ई थारू सबके नेपाल के में कहिया एले ओकर बारे में समाजशास्त्री सब मानव शास्त्री सब अपन अपन किस्म से परिभाषित करने छे। कतेक बुद्धिजीवी सब थारू के कहने छे ई गौतम बुद्ध के संतान छियो। समाजशास्त्री जेना कि डोर बहादुर बिष्ट भले उ सबके भनाई अनुसार ये भारत में जे थार प्रदेश छे उ थार प्रदेश में एकदम खड़ेरी पड़े अनिकाल भले खाए पिए ले बहुत समस्या भले ते के कारण से उ सब बिस्तारे बिस्तारे महाकाली क्षेत्र से नेपाल में छिड़ले और उ सब जहिया से तहिया से आदिवासी के रूप में उ सब नेपाल में स्थापित करे लागले कहके समाजशास्त्री डोर बहादुर बिष्ट से तर्क देने छे। अच्छा उ तर्क अपन में छे तो जब थारू जाति नेपाल में एकटा आदिवासी के रूप में स्थापित भेले तो उ सब अपन अपन गाँव में अपन अपन बसवास करे वाला ठाव में उ सब प्रत्येक गाँव में ग्राम थान के स्थापना कलके कथी ले तो पहलका समय में कतौ डॉक्टर के उत्पादन नहीं भेल रहे। अब गाँव के प्रजा सबके शांति सुरक्षा करे के लागी दुख पीड़ा से मुक्त करे के लागी तो ओकर व्यवस्थापन करे पड़ते कहे के गाम में जे सब पहले वैद्य के काम करे धामी झाकड़ी के काम करे तो वो चारू भर से आदमी के दुख पीड़ा सब जब मुक्त कल के तब तो ओकरा एक पुरखा के रूप में देवता के रूप में प्रत्येक गाम के आदमी सब माने ले लागले। तो ते हेतु अखुनका जे यहाँ ये थान जे देख रहल छी ग्राम थान ये भादगांव सिनवारी रामधुनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में ये ग्राम थान पड़ रहल छे।
नेपाल व्यवहार से धर्म निरपेक्ष देश छे। ई देश में सब धर्म और धर्मावलंबी के रह के तथा विकास करे के संविधान अनुसार बराबर हक और मान्यता देल गेल छे। लोगो सब के आपन आपन आस्था तथा विश्वास अनुसार कोनो भी धर्म माने के लेल छूट छे और लोग सब आपन आपन विश्वास अनुसार कोई हिंदू धर्म त कोई बुद्ध धर्म त कोई इस्लाम इत्यादि धर्म मानल आब रहल छे तथा आपन आपन धर्म के फूले फले तथा विश्वास करे के बात व्यवस्था आपन किसिम से क्या रहल छे। अखनी कोनो भी धर्मावलंबी कोनो दोसर धर्म के खराब दृष्टि से नै देखै छे तथा खराब व्यवहार नै कर रहल छे। अखनी नेपाल में धार्मिक सहिष्णुता बेसी छे और ई बात भनायो जरूरी छे। ई धार्मिक मामला में नेपाल के एकटा आदर्श नमूना मानल जा सकै छे। विश्व शांति के लेल धार्मिक सहिष्णुता भनाई बहुत जरूरी छे। नेपाल ये मामला में आगू छे। विश्व के अन्य देश के लेल नेपाल शिक्षा प्रद छे। हम भगवान से प्रार्थना करे छे जे नेपाल सब के मात्र नहीं कि विश्व मनुष्य समुदाय में धार्मिक सहिष्णुता रूपी भगवान देने और दिन खूब के खूब रहते एक धर्मावलंबी दोसर धर्मावलंबी के साथ भाई भाई के रूप में रहे छे। कांध में कांध मिला के एक दोसर के सहयोग करते आब रहल छे। झई झगड़ा नहीं करे छे। ओनहिए थारुओ जात में जाके 12 महीना 12 किसिम के देवी देवता के पूजा करते आब रहल छे। अब ग्राम थान के बारे में हम यहाँ के छोट रूप में जानकारी दे ले चाहे छे। ग्राम थान के अर्थ की कहल जाए छे। ग्राम के मतलब तो गाँव भए गए आ थान के मतलब इसना के बुद्धिजीवी सब देवस्थल के रूप में नामकरण करने छे। तो शॉर्टकट में एकरा कहल जाए छे ग्राम थान। इसना हम बहुतो बूढ़ा पका सबके बूढ़ पुरान सबके हम सोचपूछ के लिए हमहूँ लगभग लगभग 59-60 वर्ष के उम्र हमार भए गए तो हम अपन अनुभव के साथ साथ अपन गाम के बूढ़ा पका सबके हम पूछलिए जे ई जे थान छे तो थान में ककरा पूजा करे छा कथी ले पूजा करे छा। उ सब के बात हम जे मने खोजी नीति करलिए तो ए थान में जूरी धाम धामी धमियान के मुख्य स्थान छे। एठाम में देखो ई तकर बाद इसना राजा जी के भी स्थान छे। राजा जी के लगायत इसना कदी कहे जे सन्यासी के भी स्थान छे। सलहेश के छे सलहेश के भैयारी सब के स्थान छे। एठाम में कहा ना इसना 56 करोड़ देवता के स्थान छे। तो इसना राजा जी के स्थान कथी ले डाल गेले कि राजा पहलका राजा एहन राजा रहे जे कि ओकर क्षेत्र भीतर में जतेक जनता पड़े छे ओकरा दुख पीड़ा उ देखे ले नहीं सके। शांति सुरक्षा कायम करे के लागि राजा अपन भूमिका निभावे। ओकरे साथ साथ आ जनता सबके कहियो बीमारी भए जाए कहियो भूत प्रेत लग जाए तो ओकरा उ पीड़ा से मुक्त करे के लागि राजा के सहयोगी के रूप में धामी सब काम करे। धामी वही समय में ककरो जड़ जारी लागल रहे भूत प्रेत लागल रहे बड़ बीमारी भेल रहे तो उ झाड़ फूक कर दे तो उ ठीक भए जाए। तो इसना ई गांव के जनता सबके
दुख पीड़ा रोग व्याधि ये सब से मने मुक्त करे के लागि जुड़ी धाम के बहुत अहम भूमिका छे। बुढ़वा सब के भनाय अनुसार ये जुड़ी धाम तीन भैयारी छले आ तीनों भैयारी यहाँ के धामी के काम करे झाकरी के काम करे जना कि सबसे जेठ छले जुड़ी धाम तर स्थान इसना स्थापित भेले सब कोई पूजा पाठ करे लागले गाम के शनि मुनि गाम भर के आदमी सब इसना वर्ष में दू बेर पूजा पाठ करल जाए जुड़ी धाम के जना कि एक बेर अगहन महीना करल जाए कथी कहे जाड़ा मौसम के शुरुआत में दोसर में यहाँ के आषाढ़ महीना में भी पूजा पाठ करे छे। आषाढ़ महीना में पूजा पाठ करे के मुख्य उद्देश्य जना कि वही महीना में वर्ष दिन के धान चाम धान रोपे के सीजन रहे छे जैसे मने हमर बाली बिरवा में कोनो किस्म के हानि नुकसानी नहीं हेवे हाँ सब बाल गोपाल सब शांति सुरक्षा हेवे किस्म से बरसाती मौसम के शुरुआत में पूजा करल जाए एहिठाम में। दोसर आ उपजनी भेल के समय में अगहन महीना में जाके पूजा पाठ करल जाए वर्ष में सामूहिक रूप में एहिठाम दू बेर पूजा पाठ करल जाए और यहाँ के जना कि आब गाम घर में ककरो कोई आदमी भटाभट दू चार आदमी मर गेले या बिरामी फैल गेले तो इसना एक किस्म के आब जे अगुआ रहे छे पुजारी रहे छे तो उ सब के गाम भर के आदमी सब के बोला के एहिठाम गोसर विनती करे छे गोसर विनती करे छे देवता खिलावे छे पतियोरी करावे छे तो कौन कारण से भेल रहे छे कहके ओसना देवता खिलात के समय में धामी अपने से कहे छे जे ई कारण से भेल छो तोरा सबके सब कोई सचेत रह तो नहीं कुछ होतो हम आय से तोरा सबके वचन दी छो अब ये गाँव में कुछ हेले नहीं देव कहके कामना करे छे आदमी सब वही अनुसार के इच्छा प्रकट कर दी छे धामी तो उ इच्छा प्रकट कैला के बाद में आदमी सबके एक आत्मबल बढ़ जाए आत्मबल बढ़ जाए तो उ रोग पीड़ा से मुक्त भै जैसे कहीं पहले से ई विश्वास कायम भेल आयल छे अखुनका तक ई विश्वास कायमे छे जना कि अखुनका जे कथी कहे जे नेपाल में जे लॉकडाउन शुरू भेला चैत 11 गते से तो इसना हमरो सब के भी एकदम सबके गाँववासी के मन में एक कोला कौतूहल पैदा भै गए बाप रे बा उन्होंने तो अपना सबके गाँव में अखुनका ककरो कोरोना वायरस नहीं छूमने छे अब चलो एक बेर जुड़ी धाम के प्रांगण में जाके गोचर विनती करूँ कि कहि रहल छे धामी महाराज तो हमरा सबके चैत में राखन 15-16 गते तीर के हमरा सबके गाँववासी सब सबको इसने आबके विनती करलिए ढोक चढ़ेलिए दिया बत्ती करलिए तब कथी कहे सरेलाल चौधरी के यान के इसना कथी कहे देवता खिलेलके तो धामी महाराज अपने से कहलके जे ले तोरा सबके 2.5 दिन माछा मासु बंद कर बाहर नहीं जो बाहर जीवो कर भी तो गाम में चल आ साँस तक में और कुछो नहीं हेतै तोरा सबके गाम में ककरो नहीं कोरोना वायरस पकड़ते तोरा सबके अपन अपन घर में सचेत भै के रह कहके उ धामी महाराज अपने से बोलले तो हमरा सबके सबके आत्मविश्वास भै गेले ले अपना सबके गाँव में नहीं होते कुछ हो भगवान कृपा से अखुनका तक उ धामी महाराज के बोली लागल छे। एक समय में कि भले तोरा जाके ई कृपा में एकटा की महत्व छे जे पहले जनकि छोट जात ई कृपा के पानि मने अपने से ककरो नहीं पूछ के अगर पी ले तो ई कृपा के पानि बिगड़ जाए 24-25 साल के बाद से एहिठिमा एक मुस्लिम
जैसे ये सूरतलाल चौधरी के घर में कामत रहे तो वो अपन कर्मचारी के कहल करे जो कुपा से पानी ला पीबे तो वो एल पिए ले पानी भरे ले तो लोग सब कहल गए तोरा नहीं हेतु भरे ले तो वो मालिक अपने एल कल गए के देखब के पानी नहीं देते पिए ले पानी भर के भरल गए वो पानी तो एकदम कारी खटखट भै गल एकदम कोयला अलग गए ताप ताप तो गोटे गाम का आदमी था पाबि लगे जे तू हमरा सबके नहीं सोच पूछ के क्या ले पानी खेला ले पानी अखुना बिगड़ गए कारी खटखट पानी तू पीभा ले पी आ नहीं तो एक कदी कदी सुधार करे के लगी एक असल करे के लगी की करे पड़ते होम जाप करे पड़ते सब खर्च तोरा लगत कह के समाज के आदमी सब ओकरा जमा भै के ओकरा कहल के तो वो अपन गलत स्वीकार करल के वही टाइम में समाज ओकरा कहल के ले ई होम जाप करे के लगी शुद्धता बनाबे के लगी जे खर्च हेते तोरा तिरे पड़ते एत कहत हम अपन दुई शब्द ई ग्राम थान के बारे में हम दिलिए और समाप्त करे ले चाहे छी। आदरणीय दर्शक महानुभाव सब यहाँ सब भर्खर टीवी खोलने से तो यहाँ सब देख रहा है थारू भाषा के कार्यक्रम समान अखने यहाँ सबके लग में थारू सुन ग्राम थान के केनंग के पूजा पाठ करे छे। ग्राम थान में कौन देवी देवता के माने छे ओना तो पहलू का समय में जाके गाँव गाँव में धामी सुन अपन शक्ति देखा के वो गाम के जाके रखवाला करे छे तो एनाइए निक निक गतिविधि देखा मन लागल रहे लेकिन की करबे समय ककरो लागे असियाल नहीं रहे लेकिन बच्चा करे दोसर मंगल देना यहाँ बखत यहाँ समय हम परशुराम चौधरी लगात हमारे टीम उपस्थित हेबे करबे ता तलिक लागे विदा दियो गोर लागे